पैसे के लिए दोस्त ने दोस्त की गला रेतकर की हत्या। घटना के महज 12 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। इस तरह से ये पैसा के चलते इन लड़कों ने इसका हत्या कर दिया है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। पैसे के लिए दोस्त ने दोस्त की गला रेतकर की हत्या। घटना के महज 12 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। दरअसल पूरा मामला अरवल जिले के बंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत ओड़ बीघा गांव के बधार से है, जहां ओड़ बीघा गांव के बधार में रविवार के आधे सुबह एक युवक की शव मिलने के उपरांत आसपास के लोगों के द्वारा बंसी थाना अध्यक्ष अमर कुमार को सूचना दी गई थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए अरवल सदर अस्पताल लाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के उपरांत अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन घटनास्थल पर पहुंचे। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड बुलाकर मामले की वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खटांगी गांव निवासी एक शिक्षिका के 22 वर्षीय पुत्र सूरजमल कुमार को गांव के ही दो दोस्तों के द्वारा बाइक से लेकर जिले के बंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सादीपुर गांव में एक महिला से मिलने लाया गया था और देर शाम को लौटने के दरमियान बाजार में रुककर एक सामान खरीदा, जिसके बाद दोस्तों ने सूरजमल कुमार के पास भी कैश रुपया देकर उन्होंने योजना बनाई और साजिश के तहत गला रेतकर सूरजमल कुमार की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को और बीघा गांव के बधार में फेंककर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि दोस्त ने ही दोस्त की पैसे के लिए निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दिया, जिसको लेकर पुलिस ने तत्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के महज 12 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा बताया गया कि दो दोस्तों ने मिलकर पैसे के लिए अपने ही दोस्त की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दिया। वहीं खटांगी गांव निवासी सूरजमल कुमार दो दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर सादीपुर गांव में किसी महिला से मिलने आया था और लौटने के दरमियान दोस्तों ने ही इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने तत्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाई जा रही है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना अंतर्गत बहियार में एक डेड बॉडी पाया गया था और डेड बॉडी को सुबह सुबह लोगों ने देखा तो डेड बॉडी द्वारा अनुसंधान छानबीन शुरू हुआ। शुरू के क्रम में पता चला कि सीएल या डेड बॉडी सूरज का है और सूरज का घर खटागी में है और वो उसके घर के सामने ही डिवीजन एक उसका दोस्त है। ये सब लोग चार लड़के आपस में बात किए थे कि हम लोग चलते हैं सादीपुर, एक महिला है जो दोस्त है उससे बात करते हैं, तुम लोग को भी मिलाते हैं। इसी क्रम में रास्ते में एग रोल खाए तो मोटरसाइकिल भी मृतक की ही था, सूरजमल का ही था, और एग रोल जब खाया तो उसका पेमेंट 200 रुपये इसने किया तो और पैसा जब देखा स्टेटमेंट में देख लिया 25,000 रुपया का। रास्ते में भी लोग आपस में बात करने लगे किसके बाद 25,000 रुपया, ये मध्यम वर्गीय लोग सब हैं और पैसे की कमी वाले लोग कहीं ना कहीं लालच में। वहाँ सादीपुर बहियार में जब पहुँचा सही मानों में एक महिला आई सब बुलाने पर, चारों लोग उसको देखने के बाद फिर वापस हो गई। अब उसके बाद ये लोग फिर प्लानिंग के तहत रास्ते में जुगन बनाया कैसे मोबाइल अब जो पैसा है कैसे प्राप्त करें। इसी में एक लड़का जो दो लड़के भी नहीं पकड़ाए, चार दोस्त लोग गए थे मोटरसाइकिल से, तो एक लड़का के पास छुरा था, उसने गर्दन पर सामने से वार कर गिर गया। तो जो लड़का विभीषण है जो पकड़ाया उसे कहना कि हम हाथ पकड़े थे, दूसरा लड़का पैर पर पकड़ा था और तीसरा लड़का उसे गला रेत किया। फिर 1 किलोमीटर बहियार में ले जाके डेड बॉडी को छोड़ दिया और फिर सुबह में उसके बाद जब छोड़ गया वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद उसी ग्रामीण में एक लोग देखे कि एक बोरिंग के पास मोटर के पास हाथ धो रहा है और साइकिल वहाँ से नजदीक गए, पूछने लगे कौन लोग हो तुम क्या उनको, इनको लगा ग्रामीण को कि शायद हो सकता है उरी बिहार ग्रामीण को कि शायद हो सकता है कि चोर हो। इसी क्रम में आगे मोटरसाइकिल के पास बड़े चाबी ले लिए, जब पता पूछने लगे तो लोग भागने लगा, फिर गाँव वालों को हल्ला किया तो लोग भाग गए, मोटरसाइकिल को बरामद कर लिए ले गए अपने घर, उनको भी रिंग किए थे, फिर पुलिस गई थी मोटरसाइकिल आई थी। सुबह में जब डेड बॉडी गाँव वाले को मिला तब ये बात का पता चला। इस तरह से ये पैसा के चलते इन लड़कों ने इसका हत्या कर दिया है। एक की गिरफ्तारी हुई जो कबूल किया है, चारों घटना का पूरी विवरण दिया, कन्फेशन दिया गया, अन्य दो की गिरफ्तारी होगी तो और बात है।